आपका जो शॉर्टलिस्टिंग या सिलेक्शन प्रोसेस था वो प्योर ऑन द बेसिस ऑफ द वीडियो दैट यू सबमिटेड एंड इज दैट प्रोसेस जेन्युइन? यस, जहां वो सबमिट होते हैं एप्लीकेशन वहां से स्क्रीनिंग होती है. थोड़ा कैन यू टॉक अबाउट द प्रोसेस, लाइक व्हाटएवर यू कैन टॉक अबाउट. ऑडिशन देने के बाद व्हाट इज द जर्नी लाइक? सी, अभी आ जाएगा बूट में टू अपलोड योर ऑडिशन बिकॉज सम मिलियंस अप्लाई फॉर दैट. And you give your audition. It's a 3 months, 3 minutes audition that you can give. So, mera jo script tha ya fir jo bhi flow tha mere video ka, wo maine khud ka tha. Ki I will come as a woman, I will take out everything, and I will talk about my journey. That what am I and why should I be in the Bigg Boss house? So there are a couple of questions. Who are you? Why you? Why Bigg Boss house? Right. Okay. And what would you do in this kind of a situation? ये बहुत prominently चीज़ें होती है जो आपको रखना पड़ता है दिमाग में कि मैं कौन, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, करने से नहीं होगा. मैं आकाश हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं लोगों को पहचान लेता हूँ बिकॉज आई कीप ऑन डाइसेक्टिंग पीपल्स बिहेवियर. आई एम इन टू साइकोलॉजी स्टडिंग. सो वेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स द क्रिएटिव टीम विल सी कि इसमें क्या खास है. आप में खास नहीं होगा, सिर्फ चाहत है बिग बॉस में घुसने का, फेमस होने का, देन आई एम सॉरी. राइट, आप डू दैट. सो आप जैसे मुझे सवाल पूछ रहे, आपने तो इतना कुछ कहा था, कुछ किया क्यों नहीं? सो सिमिलरली यू हैव टू से द राइट थिंग्स अबाउट यू. बट मैंने हमेशा कहा है कि मेरे दो पहलू हैं, अगर ये भी है तो वो भी है. सो यू हैव टू एक्चुअली डिस्क्राइब योर सेल्फ एंड वाई बिग बॉस. And when you submit the video, like first of all you said कि video में दम होना चाहिए, आपको अपने बारे में खुल के बताना चाहिए कि आप value add करेंगे, कि आप में different है. Of course, but उसके बाद जब ये screen होता है तो what is that, you know, happens, like what is the communication channel like? See, Endemol is the production house for Bigg Boss. So somebody from Endemol team will get in touch with you because you submit your number, your email ID. Is it a call, email, like? It's a call. It's a call. It's a call from the board line. They will call you and that we have liked your, the team has liked your video and we would like to meet you in Bombay. Okay. In Mumbai. Okay. So you meet them and they try to understand you and uske baad ek process hota hai ki after shortlisting of thousands of people to hundreds, then hundreds ke 10-10 ke group banaye diye jate hain. Oh. And a questionnaire aapko diya jata hai jo ki shayad 20-25 page ka hoga, both the sides, so 50 pages ka, about yourself. Like I remember a very very uncommon question, that ki do you see any other host other than Salman Khan? Is there anyone better than Salman Khan? Pertinent question. Yeah. Okay. So do you see any other host than Salman? I said, of course, I see somebody else can do it, but koi hai kya? So if there is anybody who can be such a nice host, jo daantte bhi hain, jo samjhate bhi hain. Correct. And Salman sir ne mujhe I think that was your response ki koi hai kya? Koi hai kya? Ho to sakta hai, but koi hai kya? So understand, because बाकी होस्ट भी रह चुके हैं, वो आते हैं शो होस्ट करके चले जाते हैं. सलमान सर गेट्स इन्वॉल्व, वो समझाते बड़े भाई की तरह, मेंटर की तरह, डांटते हैं, बोलते हैं ये सही नहीं है, आप जो कह रहे हो, जिस ट्रैक में जा रहे हो वो सही नहीं है, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं. ही इज अ पर्सन हु इज ऑन द फेस एंड ही स्टडीज आल्सो. आई थिंक ही इज ही एंड जितना मैंने सुना है, सलमान सर की मम्मी का पसंदीदा शो है बिग बॉस. एंड ग्रुप डिस्कशन में कुछ आप बोल रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, आई थिंक 50 क्वेश्चन और समथिंग. सो दैट ऑफ कोर्स दैट विल स्क्रीन द एंटायर हेल आउट ऑफ द पर्सन, की साइकी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सोच क्या रहा है. तो ऐसे भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन दोबारा हो, आपने वहां कुछ लिखा है, यहां भी कुछ लिखा है, राइट, ये ना बनो. सो वो उसके बाद दैट वुड फिल्टर मेनी पीपल, मेनी पीपल, एंड देन ग्रुप डिस्कशन होता है उस उन 10 लोगों का. Right. एक टॉपिक दिया जाता है, आप कैसे खड़े होते हो उस टॉपिक के लिए, कैसे लड़ते हो उसके लिए. मैंने देखा है लोग बिग बॉस का लॉकेट, बिग बॉस की ये, बिग बॉस का टोपी पहन के आए थे लोग, बहुत तरीके के ये वो आए थे. देयर वाज समबडी, ऐसे लोग थे जिनको आपने देखा यार ये तो होगा सिलेक्ट पर नहीं हुए,
और या ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता पर वो हो गया आगे वाले राउंड में चला गया. I have not met any one of them. Okay, so these are like exclusive ones. There was transgender eunuch, you can say, who was born transgender, who was like the first one to become MLA from Meerut or somewhere. Okay. So she wanted to enter Bigg Boss. Okay. So jab pucha gaya ki kiska introduction acha laga aur kiska bura laga. After introduction, everyone is asked ki kiska kya laga GD mein. So I said inka bahut acha laga. Kyun? Itna kuch achieve kiya hai. Kiska bura laga? Maine kaha inka hi mujhe bura laga. Aise kaise? Na jo मेन स्ट्रीम में ना हो के इतना अचीव कर सकते हैं उन्हें बिग बॉस की क्या जरूरत है. दूसरी बात, जब इतना अचीव कर लिया है तो हम बच्चों को चांस दो. सो यू आर गुड एंड बैड एट द सेम टाइम बिकॉज यू वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट दैट आई हैव डन दिस बट स्टिल आई वांट मोर. तो हम भूखे क्यों रहे. सो आई पुट दैट अक्रॉस एंड देन शॉर्टलिस्ट होती है. देन आप फिर जाते हो, फिर आपका process hota hai that you know psychological test then physical test and everything. Then psychological test I think is also important because jo ghar ka mahol hota hai kai bar bahut bigad bhi jata hai. Aap wahan pe phat sakte ho, aap pagal ho sakte ho. So psychological test is verbal or is it with the machines? No, it's like there are a lot of things that they show and they ask you. Then there are one to one interactions. Test your mindset. Okay, and I'm sure you'll have to submit your physical clearances in terms of any disease. Yeah, everything. Anything you're suffering from. So because it's a show that, nobody wants anybody to get hurt or, you know, fall ill or sick or something like that. So it is better, you should be prepared physically, prepared, mentally. Yeah. So right. That way. And I was like, jana hi to hai. Fine. Then happened isolation. Isolation is a place where we're kept. June mein audition hue aur then isolation process would be isolation process is just before entering the house. Oh, so what is meant by isolation? Means isolation because disconnected with the world. Disconnected without phones, without anything, nothing, and not even a pen and a paper. How long would that be? 7 days it was. 7 days, and at that period you still not sure ki aap andar jayenge. Aur aise bahut log hote hain jo fizzle kar jate, nikal jate, nahi jaate because आकाश अभी हमारे मेरे पास दो फोन है. दो फोन में दो दो सिम होंगे, चार होंगे, कुछ काम आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे. वी आर ऑन सोशल नेटवर्क, वी आर ऑन दिस, वी आर ऑन दैट. आवर लाइफ इज सो बिजी विद दीज थिंग्स. ओके, उससे बाहर निकल के रहना, फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स. दीज थिंग्स हैव कम लेटर. रोज मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना, कुत्ते के साथ खेलना, भाई बहन से मिलना, दोस्तों से मिलना, कुछ भी नहीं. Forget about those things. You can't even watch television. And I think इसीलिए वो जो episode था जिसमें सबकी मदद आई थी, I think everybody would have cried. और हर season में लोग रोते हैं. वही नहीं रोते, सब देखते हैं, बाहर देखते हैं, क्योंकि उनको feel होता है. वो जो एक that's why I would say it's not scripted because वो जो reaction से हम लोग move होते हैं और तभी लोग प्यार करते हैं. तो but isolation is very very I'm sure it tests a lot और वो पता चल जाता है कि कौन जा सकता है कौन नहीं. इस बार भी मुझे जितना सुना है मिला सुनने के लिए मिला है कि आइसोलेशन से भी लोग फिजल कर गए थे. एंड यू नो सो इट्स नॉट एन इजी थिंग बट इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग. नो आई एम श्योर. और इट्स ऑल अबाउट अ कंट्रोल. मैं भी अपनी 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के गई थी एंड 7 दिन रहना भी उसके लिए मुश्किल था. लास्ट मोमेंट में वो फिजल कर रही थी. तो समवेयर शी थॉट कि कल मेरी बच्ची पूछेगी कि मम्मा आप कहीं गए थे, आप ऐसे आ गए थे, तो मैं क्या जवाब दूं. वही बात है कि जैसे बहुत कुछ चाहिए आपको लाइफ में बट वो जब मिल जाता है तब आप सोचते हो कि क्या ये मुझे सही में चाहिए. व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ. एग्जैक्टली. एंड मैं कह रहा हूँ ना कि मॉम धीरे धीरे चलने लगी थी एंड ये फिर इतनी बड़ी अचीवमेंट ही है ये बिग बॉस में जाना. तो हाउ आई हैंडल बोथ द इमोशंस, मैं जानता हूं या फिर मेरा भगवान. सो एनी एडवाइस टू द गाइज हु हैव बीन सेंडिंग सो मेनी मैसेजेस आस्किंग. तो मैंने ये देखा था सब्यासाची लास्ट ईयर, बहुत सारे ऐसे लोगों के मेरे पास कॉल आते थे, मैसेज आते थे, जिनको पैसे बोलते थे कि हमें अगर आप 50,000 रुपये दे दें, हमें 1,00,000 रुपये दे दें, या 25,000 रुपये दे दें, तो हम आपको बिग बॉस का टिकट या स्क्रीनिंग राउंड तक पहुँचा देंगे. इसमें कितना सच है, आपको क्या लगता है कि
क्या ऐसी चीजें ऑथेंटिक हैं ऐसे हो? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, तो आई वुड नॉट अग्री टू दिस. एंड सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आप पैसा देख के कहाँ तक जाओगे? अगर स्क्रीनिंग राउंड तक चले गए पैसा देके, तो आगे घुस क्यों नहीं पाओगे? आगे घुसने के लिए 7 दिन का जो आइसोलेशन है उसे पार करना इज लाइक अग्नि परीक्षा. बिकॉज हम इतने इन्वॉल्व हैं, जो हमेशा ट्विटर इंस्टा और फेसबुक पे होते हैं वो कैसे रहेंगे वो 7 दिन? पैसा देना तो दूसरी बात है. सो इफ समबडी इज आस्किंग यू मनी टू गेट इनटू इट, आई वुड नॉट वाउच फॉर इट. मैंने नहीं किया, मेहजबी ने नहीं किया, लव ने नहीं किया, नहीं किया. राइट और एक आई थिंक मैं रिलेट ऐसे कर सकता हूँ बेसिकली जैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जब आप किसी एक अच्छी लेवल की जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप रिज्यूमे में तो कुछ भी लिखते हैं कि मैं फलाना मेरे में कॉम्पिटेंसी है और मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैंने ये रोल हैंडल किया हुआ है. पर जब आप इंटरव्यू में भी हो सकता है आप बेच दें अपने आप को, पर जब वो काम सामने आएगा और जब साथ में एक ग्लोबल स्टेक के साथ आप बैठे होंगे तो जब आपको परफॉर्म करना होगा तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस when I entered Bigg Boss house, I'd forgotten that 105 countries are watching it. I'd forgotten there are 150 cameras. I'd forgotten that I'm in that house. Yeah. Believe me, Akash, मुझे बंदगी पहले दिन जब गया मैं लाइक बड़े घर में वो खींच के लेके गई, देखो आप कहाँ पे हो. आप लोग मास्क लगा के आए थे. I'm getting goosebumps. देखो आप and it's like Bigg Boss and like he's actually seriously I'm getting like seriously I'm there. And it's such a feeling. And आप यकीन नहीं कर पाओगे that once you enter the house, you're a star. Absolutely. You are a star. So वो नसीब भी बहुत कम है. और जो सलमान को देखते हैं. Oh my God. So when sir interacted for the first time, सब्या चाची चाची मैं नहीं सर सब्या चाची. So हाँ तो चाची क्या फिर चाची. So he is very funny, he is very nice and बहुत मजा आता था. हाँ उनका उनका उनके जो jokes भी हैं बड़ी मुश्किल से नसीब हो सकते हैं कि सलमान भाई आपके आपके साथ कुछ मजाक कर रहे हैं. it's in my introduction I remember वो मुझे पूछ रहे थे आप दुखती कहाँ पे ना हाथ रखते हो, मैं कहता नस पे. दुखती कहाँ पे, मैं कहता नस पे. तो ही वॉन्ट्स टू मेक इट वेरी नाइस एंड ही गेट्स इरिटेटेड बिकॉज ऑफ समबडी गोइंग ओवरबोर्ड एंड व्हिच इज नॉट राइट. आप एक शो के लिए यू कैन नॉट जस्ट गो ओवरबोर्ड एंड डू थिंग्स एंड से थिंग्स. देयर इज अ वेरी थिन लाइन, लाइक इट्स अ द होल कंट्री वॉचिंग. देयर आर 105 कंट्रीज पीपल वॉचिंग यू, फैमिली इज वॉचिंग यू. आपसे छोटे क्या सीखेंगे? एक बहुत सिंपल सा ये है कि मुझे फेमस होना है, बिग बॉस में जाना है. आप क्या ऐसे कर्म करोगे जो लोग सीखेंगे आपसे कुछ? अच्छा भी तो सीखना चाहिए. लोग अगर याद रखते हैं पिछले कुछ कंटेस्टेंट के बारे में, नाम याद रखते हैं, ये करते हैं, नॉट फॉर गुड रीजंस फॉर श्योर. करेक्ट करेक्ट. बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल तो हो गए पर वहीं इट इज रिजल्ट आउट ऑफ देम. सो आई थिंक बियॉन्ड दिस शो इज बियॉन्ड 3 months. बिकॉज ये आपको 3 महीने का वो प्लेटफॉर्म देता है, बट जिंदगी शुरू होती है उसके बाद. आप उसको कैसे यूज़ कैसे यूज करते हैं, आप कौन हैं, शायद हिस्ट्री में नाम रह जाएगा बिग बॉस 11 में कौन कौन थे. सो इट्स द लार्जेस्ट रियलिटी शो इन दिस कंट्री, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर, द बिगेस्ट शो इन द कंट्री. एंड आप सोचो 150 cameras, ओ माई गॉड, लाइक जैसे भगवान आपके ऊपर नजर रख रहा होगा 24 घंटे, वैसे ही है. And that is the basic theme of Bigg Boss. स्टूडेंट मैं याद करता हूँ जहाँ हिना रो रही थी और आप एक कहते हैं ना एज अ ह्यूमन एज अ पर्सन हु रियली आर केयरिंग फॉर समबडी एल्स हु इज इन पेन, आप जाते हैं, आप बात करते हैं, आप बोलना चाहेंगे कि भाई सब ठीक है या नहीं. हाँ उन्होंने आपको हटा दिया.